हाय हेलो नमस्कार मुझे सुंदर पुनः स्वागत करुच्ची बिंगनस चैनल को। तो आज आप गोटे सुंदर भिडियो नहीं आसी जो भिडियोटी आप देखला आनाटोमी ऑफ फिजियोलॉजी को पढ़ापी निश्चय आपंकर हेल्पफुल रोज। तो आप निश्चिंत आनाटोमी ऑफ फिजियोलॉजी पढ़ा पूर्व यह भिडियो को देखी रखु। तो यह भिडियो में आम कत गोल्डन पॉइंट कत की टर्म आम व्यवहार करे जो सब पॉइंट आप निश्चिंत आगे डे टू डे लाइफ में आनाटोमी पढ़ला टाइम आपंकर यूज हे क्लास में। तो यू पॉइंट को आप निश्चिंत मन रखु नोट कर रखु आपंकर यहाँ निश्चिंत आगे हेल्पफुल रोज आपंकर सब क्लास आगे यही सब टर्म यूज हे जाऊँच। तो भिड को लास्ट जाए निश्चित देखो मुझे जो मुझे पढ़ू से मुझे टर्म सब जान नी तो मत सब जाना मिलला कि मुझे पढ़ा पूर्व सब टर्म को आपदी जमीक आप फर्दर पढ़ला टाइम किसी असुविधा न हुए। तो ठीक अच्छे जब भिडियो आपको भल लगी भिडियो को लाइक कर निश्चय करेंगे आपंक सहित निश्चिंत निश्चिंत सेयर करेंगे। तो आदि चैनल को एपर्त सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ। तो आसत भिड देखा। तो फास्ट आप आनाटोमी पढ़ा पूर्व आपको किसीटा टर्म आनाटोमी जाना पड़ा जोटा कि आम बहुत आनाटोमी फिजियोलॉजी पढ़ाला बेले आपंकर बहुत रिपीटेड हुए। तो से ही वार्ड को आप मिनिमम जानवा दरकार जो वार्ड को मुझे आगे कहीदेवि। तो देखो फास्ट आम आनाटोमी कौन जानवा ना आनाटोमी इज द स्टडी अफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर्स अफ द बडी एंड रिलेसन अफ वन बडी पार्ट टू अनादर पार्ट। कौन कहला ना आनाटोमी हूँ से ही साइंटिफिक स्टडी जो थे कि आम ह्यूमन बडी पार्ट को पढ़ू आउ कौन ना रिलेशनशिप ऑफ वन बॉडी पार्ट टू अनदर पार्ट गोटे बॉडी पार्ट रो रिलेशन कौन अच्छे आउ गोटे बॉडी पार्ट सहित तो ताकू भी आम आनाटोमी पढ़ा। तो फादर ऑफ आनाटोमी आम किए रही ना आंड्रियास भेसालियस तो जी कि आम आनाटोमी मॉडर्न आनाटोमी आउ फिजियोलॉजी को जी कि आम एक्सप्लोर करते ना हूँ आंड्रियास भेसालियस। ठीक अच्छे तो आम देखा आनाटोमी कतेटा पार्ट आनाटोमी मेनली आम कत पार्ट डिवाइड होना मेनली टू टाइप्स आनाटोमी को आम दि भाग में व्यक्त करे गोटे हूँ ग्रॉस आनाटोमी आ गए हिस्टोलॉजी। तो ग्रॉस आनाटोमी कहे आम कौन बुझा और हिस्टोलॉजी कहे कौन बुझा। तो ग्रॉस आनाटोमी कहे मेनली आमर माक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। तो माक्रोस्कोपिक माने आमर जो सब बड़ बड़ स्ट्रक्चर रहा कि बॉडी ऑर्गन रहा कि ऑर्गन सिस्टम रहा आम ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ा। आ हिस्टोलॉजी में कौन पढ़ा ना माइक्रोस्कोपिक स्टडी जोटा कि माइक्रोस्कोपिक माने जोटा कि छोट छोट जिनस जोटा कि छोट छोट साइज़ कि जिनस को आम पढ़ापे हिस्टोलॉजी कह जो थे कि आम पढ़ा क्या विषय ना सेल विषय टिश्यू विषय ऑर्गेनेल्स विषय तो ये सब छोट छोट जिनस। तो छोट छोट जिनस आम हिस्टोलॉजी पढ़ा आ ग्रॉस एनाटॉमी रे माइक्रोस्कोपिक बॉडी ऑर्गन ताकू भी पढ़ा। ठीक अच्छे तो मेनली आम एनाटॉमी कौन रहा ना दुईटा गोटे हूँ ग्रॉस एनाटॉमी आ गोटे हूँ हिस्टोलॉजी। तो नेक्स्ट जीवा आमर नेक्स्ट कौन रहा ना फिजियोलॉजी क्या कह जाए। तो फिजियोलॉजी कहे आम कौन बुझू ना स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी गोटे ह्यूमन बॉडी रो तार स्टडी फंक्शनल स्टडी। तो फंक्शनल स्टडी कहे मन कर गोटे ऑर्गन अच्छी कि गोटे पार्ट अच्छी तो से पार्टर फंक्शन कौन से पार्टर फंक्शनल विषय जानापी आम फिजियोलॉजी कही था। एनाटॉमी होची स्ट्रक्चरल पार्ट फिजियोलॉजी होची फंक्शनल पार्ट आपन एतिक मन रखु। तो फिजियोलॉजी रे जेमती आम हार्ट रो फंक्शन कौन आम स्टोमाक रो फंक्शन कौन आई रो फंक्शन कौन आम फिजियोलॉजी माने फंक्शनल पार्ट सब बॉडी रो पढ़ा। ठीक अच्छे आपुच्छे बुझीपे आपने जमा भी ओरीड हूँ ना आपने फास्ट ये सब सर्ट टर्म गोटे गोटे की पॉइंट को पढ़ु भलसे बुझु आपटा जो आप क्लास में पढ़ा आप निश्चिंत बुझीपारे। तो आम नेक्स्ट देखा पाथोलॉजी कौन। तो पाथोलॉजी कौन ना द साइंस ऑफ द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ द डिजीज। तो गोटे आम जो डिजीज हो तार इफेक्ट कौन रोचे आम बॉडी उपर कि तार साइंस आम कौन पर डिजीज है कौन ना। तो सहीटा हूँ पाथोलॉजी। पाथोलॉजी कहे मेनली कौन आपने जानते हैं गोटे गोटे क्लीनिंग कि मानने गोटे लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करने पाथोलॉजी कहुए। तो से टाइप रोटे पाथोलॉजी हूँ आम बॉडी में कौन कौन चेंजेस है बॉडी में कौन कौन राइज है तो यही सब को आम पाथोलॉजी कही था। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट अच्छे आम कौन ना एटीओलॉजी। तो एटीओलॉजी आम क्या कही था ना स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ डिजीज। तो आम गोटे डिजीज हेबार कारण कौन गोटे डिजीज हेबार कारण कौन गोटे जेनेटिक अच्छी कि मन किसी इनफेक्शन हूँ किसी भी कारण एटीओलॉजी मैंने कॉज ऑफ डिजीज से डिजीजा कौन पर तो सहीटा हूँ आम एटीओलॉजी। तो आप सब गोटे गोटे मानने गोटे गोटे फ्रेज आपड़ निश्चिंत सब बड़े सब क्लास पढ़ाक पाइबे एटीओलॉजी पाथोलॉजी पाथोफिजियोलॉजी ये टाइप रुप। तो मुझे से सब फंडा क्लीयर करुच्ची आप गोटे कथ जानी था आप आनाटोमी फिजियोलॉजी पढ़ाते फंडा क्लीयर न होती आपने बड़ बड़ टॉपिक को क्लीयर करें। तो आग आप फंडा क्लीयर रखुदापर आप जेकोसी टॉपिक को जी आप सब रिलेटेड टॉपिक ही पाइबे यही सब सेंटेंस पाइबे। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपंकर कौन रहा ना आपंकर जो सब सेंटेंस अच्छी तो गोटे गोटे पर्टिकुलारी फ्रेज आपड़ी मन रखिए आपने निश्चय सब जिन बुझीपारे। देखो गोटे एग्जाम्पल देखो मुझे सब
आंटी तो ANTI तो आंटी माने कौन ना एग्नेस्ट एग्नेस्ट रो गोटे एग्जाम्पल देखी दूसरे आपको आंटी क्वागुलांट माने आमर जो ब्लड रो क्वागुलांट फैक्टर थाए क्वागुलांट माने क्लॉटिंग तो माने आमर क्लॉटिंग हो जीवो किंतु आंटी क्वागुलांट माने क्वागुलांट आमर हेबो नाही तो आंटी ऑक्सीडेंट कि आंटी आंटी फंगल तो माने आंटी माने ही एग्नेस्ट एग्नेस्ट माने विपरीत मन कर जमी भल खराब सेमती आंटी माने ही टोटल एग्नेस्ट तो आउ नेक्स्ट देखो ए और आन जो अच्छी तो ए और आन जो अच्छी आप मैंने गेस करेंगे कि लैक अप अच्छी ना आबसेन्स अच्छी एग्जाम्पल मुझे कहीदे जमीक एनिमिया एनिमिया मैंने आप देह कि आप बडी में आप मानने हिमोग्लोबिन कम अच्छी मैंने ब्लड मात्र जो हिमोग्लोबिन थाए जदि नर्माल रेंजर कम रुहे आम एनिमिया कह मैंने ये लैक अप रहा तो देखो नेक्स्ट टाकी तो टाकी माने वेरी फास्ट तो टाकी भी शब्द आपरे बहुत समय यूज हम जमी एग्जाम्पल लिखे दूँ टाकी काड़िया तो टाकी काड़िया माने कौन ना फास्ट आमर काड़िया माने तो जानते हैं काड़िया माने हार्ट रो को सूचाए तो हार्टा आम जो फास्टली बीट करुच्ची तो आम टाकी काड़िया कहे सेमती लंग्स जो अधिका रेस्पिरेसन ने टाकी टाकी निया कहती तो टाकू टाकी निया कहती एमती बहुत सब टाकीर आपश्चिंत सब जापर जो टाकी मैंने मन रखुद कि फास्ट तो ब्राडी देखूँ ब्राडी मैंने स्लो तो एग्जाम्पल गोटे देखे दूँ ब्राडी काड़िया मैंने हार्टा आमर स्लो फंक्शन करुच्च स्लोली बीट होती ब्राडी निया कहे आम रेस्पिरेसन रेटा कम अच्छी आपको यही सब देखा मिले आपको डे टू डे लाइफ में आज जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को क्लास को अटेंड करेंगे तो देखो कार्ड आप जो रोचे CRD तमें आपर एटा हार्ट को बिलंग करुच्ची एग्जाम्पल जमीक कार्डियक कार्डियक स्पिंटर तो ये टाइप कार्ड CRD जो रहा आपने गेस करेंगे आपंकर किसी कार्डियक रिलेटेड अच्छे टॉपिक तो एंडो देखूँ तो एंडो माने कौन ना इनसाइड इनसाइड माने कहले भितर एग्जाम्पल एंडोसाइटोसिस माने सेल्र भितर एक्जो माने आउटसाइड तो आउटसाइड माने कौन ना माने जोटा कि बाहर तो एग्जाम्पल देखते एक्जोसाइटोसिस माने सेल्र बाहर सेमती आपने एंडोकार्डियम एक्जो एक्जोसाइटोसिस एक्जो सेल माने सेल्र बाहर सेल्र भितर ए दुटा टर्म भी बहुत बार आपंकर यूज हे तो हाइपर देखूँ हाइपर हाइपर माने एक्सेस और हाई एग्जाम्पल देख देखे दूँ हाइपर ग्लिसेमिया ग्लिसेमिया माने आप मन रखुदू ये गोटे कहीदे आपको ग्लिसेमिया माने आमर सुगार लेवल हाइपर ग्लिसेमिया माने आमर सुगार लेवल अधिका हो जाए बुझिपार्थ तो हाइपर माने एक्सेस तो हाइपर ग्लिसेमिया कहले आम सुगार लेवल अधिका हो जाए तो हाइपो देखो हाइपो माने लो और बिलो एग्जाम्पल देखो हाइपो ग्लिसेमिया हाइपो नाइट्रेमिया आपंकर ये सब टॉपिक निश्चिंत यूज हे आपंकर जितेबाला आप पाठ पढ़े हाइपो ग्लिसेमिया हाइपो नाइट्रेमिया हाइपो कैलेमिया ये सब पढ़े तो हाइपो ग्लिसेमिया माने आम सुगार लेवल कम अच्छी तो ये सब टर्म को आपने भलसे मन रखुद भलसे बुझुद ना स्क्रीनशॉट मारिकर भी आपंकर रखिपारे आपंकर फोटो हिसाब से तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन अच्छी ना माइक्रो माइक्रो माने आपने निश्चिंत जानते माइक्रो माने स्मॉल एग्जाम्पल देखो माइक्रो मॉलिक्यूल जमी रहा माइक्रो मॉलिक्यूल माने मॉलिक्यूल रो स्मॉल टाक आम माइक्रो मॉलिक्यूल कही था माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप माने छोट छोट जिनस को आम देखि एमती आप माइक्रो सबू माने प्राय जगह भी यूज हे देन देखो माक्रो माइक्रो रो उल्टा हो माक्रो माक्रो माने लार्ज एग्जाम्पल माइक्रो मॉलिक्यूल माक्रो जो यूज होगा आपठी मन रखिए कि लार्ज आ माइक्रो यूज हेल्ले जोटा कि स्मल तो आउ गए देखो इटिस ITIS जोटी ITIS लगे मैंने आप आखि बुझिक मन रखिए कि इनफ्लामेसन किसी रिलेटेड अच्छी एग्जाम्पल नेफ्राइटिस कार्डाइटिस आमर आपेडिसाइटिस जोटी आईटिस लगे मैंने आपने जानवे कि इनफ्लामेसन से अच्छी इनफ्लामेसन अफ समथिंग इज नोन आज जमी रहा है नेफ्राइटिस कार्डाइटिस यू आपंकर यूज हम मेगा मेगा मैंने कौन ना लार्ज जमी रहा एग्जाम्पल स्प्लिनोमेगाली स्प्लिनो माने आम स्प्लीन तो स्प्लीनटा जो आम लार्ज हो जाए किसी कारण आम स्प्लिनोमेगाली कहू हेपाटोमेगाली हेपाटोमेगाली भी आपरिपे कार्डियोमेगाली मैंने हार्ट बड़ हो जाए एमती आपने मेगा शब्द भी यूज करके पाइबे मेगा माने लार्ज तो ये सब गोटे की टर्म आई टर्म को मन रखिले मैंने आप रिलेटेड जापरेंगे तो देखो सेमती नेफ्रो नेफ्रो माने कौन ना किडनी नेफ्रो जोटी वार्ड आसला मैंने किडनी जमी आपर रहा नेफ्रोलोजी नेफ्रोलोजी मैंने स्टडी ऑफ किडनी स्टडी ऑफ मैंने नेफ्रो मैंने किडनी ऊपर पढ़ापी आम नेफ्रोलोजी नेफ्रो नेफ्रन नेफ्रन मैंने किडनी हिरो ही रिलेटेड तो एमती आपर नेफ्रो जो आसा आपको किडनी रिलेटेड जमी आपर देखो न्यूरो न्यूरो मैंने आपर आखि बुझिक नर्व रिलेटेड मैंने रिलेटेड जमी एग्जाम्पल न्यूरोलोजी न्यूरो सर्जरी सब ये सब नर्व रिलेटेड आपंकर न्यूरो ठीक अच्छे तो आपंकर सर्टर मन रखु आपको निश्चय हेल्पफुल हम मुझे ये कहवाक चाहिए निश्चय आप मन रखुद आप निश्चय हेल्पफुल हम आप लाइफ तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आमर अच्छी ट्यूमर
ट्यूमर माने ही आपण माने जानिबे कि एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सेल तो कौन आम गोटे गोटे जगार जो एक्सेस प्रोडक्शन हुए आम ट्यूमर बोली कही था। ट्यूमर माने सब ट्यूमर आमर कैंसर सेल नुह कैंसर सेल कौन ना आपण माने पढ़ले जापर निश्चिंत फर्स्ट ईयर भी अच्छी बिनाइन आउ आमर मालिग्नान तो बिनाइन हूँ आमर कैंसर सेल नुह आ मालिग्नान हूँ आमर कैंसर सेल तो आपड़ा पढ़ले आपर जापरेंगे तो ये मुझे डिटेल्स कहूनी तो ट्यूमर माने हूँ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सेल तो आम जो एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सेल रहा कि बोन रहा तो जो एक्सेस प्रोडक्शन है ट्यूमर भी कही थो। तो नेक्स्ट रहा आंटेरियर तो आंटेरियर माने कौन ना फ्रंट साइड मनकर बॉडी पार्ट आम आंटेरियर कौन कौन जाने आंटेरियरली आम मेनली स्किन अच्छी आखि अच्छी नाक अच्छी मान टाइप रो आंटेरियर माने आप फ्रंट पार्टा फ्रंट पार्ट्रे आप जहाँ सब देखा आंटेरियर आउ पोस्टेरियर कहे कौन ना आम बैक साइड मनकर आम मनकर जहाँ भी सब गला पिठी गला बैकबोन गला तो ये सब आम पोस्टेरियर तो आंटेरियर माने रखुद फ्रंट साइड आपर पोस्टेरियर हूँ बैक साइड तो सेमती आपर पार्टली पढ़ले अर्गानली पढ़ले आपने जापरेंगे गोटे अर्गान आंटेरियरली कौन अच्छी पोस्टेरियरली कौन अच्छी तो ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो सुपेरियर सुपेरियर माने अपर साइड माने ऊपर मनकर मुंड पटा हूँ आम सुपेरियर इनफेरियर कहे आम गोड़ पट टो पट हूँ आम लोअर साइड तो इन सुपेरियर उल्टा हूँ इनफेरियर आंटेरियर उल्टा हूँ पोस्टेरियर तो आपसबू को जो गोटे अर्गान पढ़े गोटे सिस्टम पढ़े मनकर हार्ट हार्ट रो आंटेरियरली किए रोच हार्ट हार्ट रो आंटेरियरली मनकर रोच किए रिप्स भी आम रोच रिप्स रो पोस्टेरियरली किए रोच ना आमर हार्ट रोच तो ये टाइप आपने सब पढ़ी पारे हार्ट रो ऊपर किए रोच हार्ट रो तले किए रोच ये सब को आपड़ा डिटेल्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो पढ़े गोटे गोटे टॉपिक को नहीं पढ़े आपने निश्चय बुझीपारे तो आप जमा भी व्यस्त हूँ ना आपने जीक पार्टी जितनी गोल्डन पॉइंट पढ़ा होती पढ़ु आपर जिते सब भी क्लास अटेंड हो भलसे अटेंड करूँ आपको डिटेल्स बुझुँ जमी आप फंडा क्लीयर हो आपर जो सब पढ़ा हुए क्लास रे आपको फास्ट फास्ट जो सब क्लास हुए आपको बहुत इजी लगे आपंकर गोटे इंटरेस्ट थे पढ़ापी आपको निश्चिंत भल लगे तो आपठू गोटे डेडिकेटेड वे रे पाठ पढ़ु आउ ये सब गोटे गोटे फास्ट क्लास क्लास ही आपको मजा लगे पढ़ापी आपत फंडा क्लीयर हो आपको आगे कई भी हर पारे तो ठीक अच्छे भाबूँ आपको भिडियो भल लगे आज जब भिडियो भल लगी तो लाइक और शेयर निश्चय करूँ और आपंक सांग सहित निश्चय 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 शेयर करूँ आज भिडियो ये रहा तो रही जय जगन्नाथ।